कि तुम कैसी है? हाय हल्का, ठीक हूँ मैं, तुम बताओ कैसी हो? अरे टीतू, क्या हुआ तुम्हें? आज इतनी उदास और इतने धीमे धीमे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं अलका, बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा, क्या हुआ तुमको? बुखार तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बुखार नहीं है मुझे ना, वो बहुत अलग सी बीमारी हो गई है। अलग सी बीमारी? वो कैसे? मैं समझी नहीं, जरा ढंग से बताओ क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं यार, शायद तुम जानती हो, मम्मी कहती है ये बीमारी सब लड़कियों को होती है। सब लड़कियों को होती है? ऐसी कौन सी बीमारी है? पता नहीं, तुम्हें पता है मेरे पेशाब की जगह से बहुत खून आ रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है और थकान भी है। अच्छा अच्छा, तो तुम उसकी बात कर रही हो? हाँ, क्या ये तुम्हें भी होता है? हाँ, ये 13-14 साल की उम्र में हर लड़की को होता है, हर लड़की इससे गुजरती है, पर ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि हमारे शरीर का एक प्रोसेस है जिसमें लड़कियों के खराब खून साफ होता है। अच्छा, यानी मुझे कोई बीमारी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं है ये। और तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है तुमने इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इसीलिए तुम बीमार महसूस कर रही हो। चलो हम बाहर टहल के आते हैं, तब तुम अच्छा महसूस करोगी। अरे नहीं नहीं, मम्मी कह रही थी मुझे ऐसे में ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए और लोगों के पास भी नहीं जाना चाहिए, मैं झूठ हूँ ना? अरे पागल है क्या, इसमें कोई झूठ नहीं होता, ये गलत बात है। और ये भी गलत है कि तुम्हें ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, तुम तो खेल भी सकती हो, उछल कूद कर सकती हो, सब कर सकती हो, तुम घबराओ मत, आओ चलो मेरे साथ, देखना तुम खुद महसूस करोगी। ठीक है, पर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं होगा, चलो तो। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बस आराम से बैठो, देखो आज हम बहुत अच्छी जगह घूमने जाएंगे और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सुरेश भैया, जरा रेस्टोरेंट तो चलना, वो पार्क वाले। जी दीदी, बस अभी पहुंचने वाले हैं। ओह वाह, तो बहुत सुंदर है और मैं बहुत अच्छा भी महसूस कर रही हूँ यहाँ आके। हाँ रिंकी, मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तुमने सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लिया था। अच्छा मुझे ये तो बताओ, क्या इससे मेरे अंदर और थकान तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। अब तुम ये सब कुछ छोड़कर चलो, जम के खाओ अपनी पसंद की चीज़ें और मज़े करो। ठीक है, आओ रिंकी, चलो कैंडल जलाते हैं चर्च में। ओह नहीं नहीं, तुम मुझे कहाँ ले आई? मम्मी ने बोला था मैं मंदिर या चर्च या मस्जिद कहीं नहीं जा सकती, तुमने ये क्या कर दिया, मैं भगवान को नहीं छू सकती। ओहो रिंकी, पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, हमें किसने बनाया है? भगवान ने। तो फिर जब हमें भगवान ने बनाया है तो हमारे अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो सब भी तो उन्होंने ही बनाया है, फिर हम उनके पास क्यों नहीं जा सकते? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अब तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो, हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए है, हम लड़कियों का खून साफ हो सके इसलिए है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। शुरुआती दौर में थोड़ी तकलीफ हो सकती है
पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। इसलिए डरो मत, जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तुम्हारे महीने में तकलीफें होनी अपने आप कम हो जाएंगी। इसलिए तुम आराम से खेलो, कूदो, खाओ, पियो, स्कूल जाओ, सारे वैसे ही काम करो जैसे हर रोज़ करती हो। तुम्हें डरने की, घबराने की या फिर शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक शारीरिक परिवर्तन है जो हर लड़की के साथ होता है, इसलिए घबराओ मत, आराम से निश्चिंत होकर रहो। थैंक यू सो मच यार, तुमने ना मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी थी ये सोचकर कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। थैंक यू। चलो अब खुश हो जाओ और मेरे साथ आकर कैंडल जलाओ। ठीक है।